हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सामने आप देख रहे हैं 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। इस गाड़ी की इंडियन मार्केट में टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसका सीधा सा मतलब है बहुत ही जल्दी किया सेल्टोस को एक नए फेसलिफ्ट के साथ इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। तो चलिए देखते हैं न्यू फेसलिफ्ट के साथ किया सेल्टोस के लुक्स कैसे कुछ रहने वाले हैं और एक्सटीरियर में क्या कुछ बड़े अपडेट आपको नजर आएंगे। सबसे पहली बात आपने नोटिस की होगी, गाड़ी को फ्रंट एंड रियर से ही कैमोफ्लोज किया गया है, यानी कि गाड़ी के साइड लुक्स एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। और रही बात वेरिएंट की, तो मेरे ख्याल से ये कोई नॉर्मल सेल्टोस नहीं है, ये सेल्टोस जीटी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आपको डीप ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा, जिसे किया कहते हैं इंटेलिजेंसी ब्लू। और ये ऑप्शन सिर्फ जीटी लाइन मॉडल के लिए ही अवेलेबल है, जिसमें आपको रेड कैलिपर्स भी मिलते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि ये जीटी लाइन वेरिएंट की टेस्टिंग हो रही है। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स की, यानी कि फ्रंट लुक्स कैसे कुछ रहने वाले हैं। तो फ्रंट में आपको न्यू अपडेटेड DRLs मिलती हैं, जिनकी पोजीशन को भी चेंज किया गया है। ये स्टार्ट होती है इंडिकेटर से और कंटिन्यू रहती है इसके ग्रिल तक। और हुंडई वर्ना की तरह ये पूरे तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सटल फील भी देती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो ज़्यादा स्लीक किए गए हैं कंपेरेटिवली अभी वाली सेल्टोस से। साथ ही साथ अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखो तो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ उसे भी दबा देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपको रेड के साथ ब्लू कलर का ऑप्शन भी चाहिए तो आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। अब बात करते हैं सेल्टोस की, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा शार्प लुक्स भी मिलने वाली हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स, जो आपको पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा, यानी कि पूरी गाड़ी में आपको 4 कैमरा मिलेंगे, जिससे आपको मिलेगा 360 डिग्री व्यू। नीचे की तरफ आपको मिलेंगे आइस क्यूब फॉग लैंप, और ये फॉग लैंप भी LED में ही रहने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी सिल्वर स्किट प्लेट, जो गाड़ी को और भी ज़्यादा ब्रॉड फील देती है। और लोअर ग्रिल में आपको मिल जाएगा फ्रंट एडास सेंसर, यानी कि यहाँ पर आपको एडास के भी सभी हाईटेक सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। और सेगमेंट कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पर आपको मिलेगा Level 2 एडास, यानी कि वो सभी फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको टाटा हैरियर में मिलते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, यानी कि बैक प्रोफाइल कैसा कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए और डिमांड को समझते हुए द ऑल न्यू किया सेल्टोस में भी आपको LED कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलने वाले हैं, जो रात के टाइम पर ग्लो करती हुई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। और जो टेल लैंप का डिज़ाइन है वो भी अपग्रेड किया गया है, हल्का सा ये किया कैरिन्स की याद ज़रूर दिलाने वाला है। और पर्सनली मुझे पुरानी वाली सेल्टोस का लुक ज़्यादा पसंद आता था कंपेरेटिवली अभी वाली। अब ये भी आंखों में बसने वाली बात है, जैसा हमने हुंडई वर्ना में भी देखा है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो ये भी अच्छा खासा हमें फील देगा। बाकी आपकी क्या पर्सनल ओपिनियन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी आपको कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, रियर वॉशर, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रियर कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। और नीचे बम्पर का डिज़ाइन भी पूरे तरीके से चेंज किया गया है, जहां पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ रहने वाली है द फेसलिफ्टेड किया सेल्टोस 2023। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, तो किया सेल्टोस में अभी रिसेंटली डीजल मैनुअल को फुल्ली रिमूव किया गया है। अगर आपको डीजल इंजन चाहिए तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा। तो मुझे लगता है किया मोटर्स का भी डीजल इंजन से मन भर चुका है और बहुत ही जल्दी डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जैसा अभी हुंडई ने भी करना शुरू कर दिया है। तो हुंडई एंड किया दोनों ही सिस्टर कंपनीज हैं, तो जैसा डिसीजन हुंडई का रहने वाला है वैसा ही किया का भी रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा और एक टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा, बाकी डीजल इंजन के चांस मुझे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी के लिए तो इतने ही अपडेट हमारे सामने आए हैं, और जो कुछ भी मुझे दिखा मैंने समझा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंटीरियर के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जैसा कि हमने देखा है
न्यू किया सेल्टोस काफी हद तक सिमिलर है फॉरेन कंट्रीज की सेल्टोस फेसलिफ्ट से। तो अगर आउटगोइंग सेल्टोस के बिहाफ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जैसा हमने XUV 700 में देखा है, जिससे इंटीरियर की क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस और भी ज्यादा इम्प्रूव होगी। बाकी आपको सीट्स का डिजाइन एग्जैक्टली सेम मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको न्यू लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिल सकती है, यानी कि न्यू थीम भी मिल सकती है, जो कि टैन एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन के साथ रखी जाएगी और एक फुल्ली ब्लैक रखी जाएगी। तो ऐसा कुछ इंटीरियर रह सकता है, मैं फुल्ली श्योर नहीं हूँ, बट एक्सपेक्टेशन तो यही कहते हैं कि ऐसा ही रहने वाला है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।